तो वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टम। और तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपना इंस्टाग्राम को दोबारा से ओपन कैसे करें, जो कि अभी न्यू फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम, उसके कारण अधिकतर लोगों का यहाँ पे इंस्टाग्राम जो होता है यहाँ पे बैन हो गया है। जो बैन नहीं हुआ उसका आईडी, मतलब उसका आईडी अभी फ्रीज कर दिया है, जो अब वो आईडी दोबारा से ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम का सामना हम बहुत कर रहे हैं, जो कि मैं अपना अकाउंट 2-4 दिन के बाद जो कि ओपन कर रहा हूँ अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे ओपन होने के बजाय यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी सिस्टम के नाम से आ रहा है। तो आप लोग को यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे हैक नहीं हुआ, नहीं तो कोई आपका इंस्टाग्राम कोई चला रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना होगा, जो कि यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे आप लोग को बताएगा कि यहाँ पे सिस्टम लॉन्च हुआ है, जो कि आप अपना अकाउंट में अप्लाई कर सकते हो। जो कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे एक एक्शन बटन दिखेगा, एक्शन बटन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर से अपना यहाँ पे बताया इंस्टाग्राम का आईडी जो होता है आपका यहाँ पर से आप ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पे आप लोग जब ओपन करने जाते हो तो यहाँ पे आप लोग को दिखाता है क्या, एरर दिखाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोग को दिखेगा, ऑथराइजेशन का दिखेगा और एक व्हाट्सएप का दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ पे नीचे आप लोग को आएगा एक सर्वर प्रॉब्लम आप लोग को दिखाएगा, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम आप लोग को बताएंगे इंस्टाग्राम, लेकिन आपका यहाँ पे नेटवर्क तो बिल्कुल सही है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम आपको लग रहा हो कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे अभी मैं आपको लाइव प्रूफ ओपन करके दिखाने वाला हूँ अपने मोबाइल पे। जो लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे किस टाइप से हो रहा है, और मैं आप लोग को यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में बिल्कुल यहाँ पे कटफट नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो होगा लाइव प्रूफ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन करता तो उसके सामने आ जाता है, इस टाइप का आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे नीचे आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एक वेबसाइट ले जाता है, जो कि हमको यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं जाना है। बट यहाँ पे मैं 2-3 बार ट्राई करता हूँ, फिर भी यहाँ पे नहीं खुलता था। फिर मेरा 2 मिनट के बाद मेरा फ्रेंड आता है, फिर वो बताने लगता है मुझे कि यहाँ पर कि उसको भी यही प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मुझे दोस्तों डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे हैक कर लिया है। यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे ट्राई कर रहा था और मुझे यहाँ पे फेल फेल बता रहा था बार बार। तो यहाँ पे मैंने काफी ट्राई किया बट यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन नहीं हुआ। तो लास्ट में मुझे एक फाइनली ट्रिक मिल ही गया था जिससे अकाउंट ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, राइट क्लिक जाना अपना प्ले स्टोर में, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे अपडेट है कि नहीं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अपडेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शायद इसके कारण भी मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे सर्वर का यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ का अपडेट कर लूंगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आ जाने के बाद अपने ऐप को 2 सेकंड यहाँ पे पुश करके रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पे पुश करते हो, उसके सामने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाएगा, स्टोरेज और कैश देखा। यहाँ पे आपको आ जाने के बाद आपको ऊपर में 2 ऑप्शन फिर से वापस दिखेगा, यहाँ पे क्लियर डाटा और यहाँ पे 2 सेकंड नंबर में आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा। तो आप लोग को फाइनली कुछ नहीं करना है, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली कट कर देना है। तो यहाँ पे कट कर देने के बाद आपको फटाक से आ जाना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। जैसे आ जाते हो मोबाइल के होम स्क्रीन पे, आ जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से आईडी यहाँ पे लॉग इन करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ऊपर में यूजर नेम डाल देना और नीचे में अपना जो इंस्टाग्राम का आपका पासवर्ड होगा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम भी यहाँ पे अपना यूजर नेम और नीचे में अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइनली यहाँ पे रेडी हो चुका है बिल्कुल यहाँ पे लॉग इन करने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ मेरा आईडी यहाँ पे लॉग इन हो जाता है, बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। मैंने यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे लॉग इन करने के बाद ये भी यहाँ पे मुझे एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर एक सिंपल सा आपको स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाए। तो आप लोगों को यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, चॉइस सिक्योरिटी मेथड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को सेकेंड वाले ऑप्शन पे आप लोग को डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर पे ओटीपी जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे ओटीपी जाएगा, आप लोग यहाँ पे ओटीपी जो व्हाट्सएप पर गया होगा यहाँ पे आप लोग ओटीपी यहाँ पे लिख देना। जैसे आप लोग यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे साइन इन कर देते हो, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हो आपका अकाउंट यहाँ से फाइनली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे कुछ टाइम वेट करने के बाद मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन होता है इस टाइप से। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना, डायरेक्टली स्किप कर देना सारा चीज। आप लोग जैसे स्किप कर दो यहाँ पे आपके सामने एक फाइनली आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मांगेगा या कुछ मांगेगा, यहाँ आप लोग को स्किप कर देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं जल्दी से, तो यहाँ पे स्किप करके एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो मोटिवेशनल नाम से यहाँ पे आईडी था यहाँ पे कुछ देर पहले ओपन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे अभी जो ट्रिक लगा के ओपन किया है
यहाँ पे मेरा फाइनली यहाँ पे ओपन हो गया और सारा चीज यहाँ पे चल रहा है, जो कि पोस्ट वोस्ट सब दिखा रहा है, लाइक वगैरह सब हो रहा है। तो अभी रील वील आराम से देख सकते हैं, आराम से किसी को अगर मैसेज भी करना होगा तो यहाँ पे चुपके से मैसेज भी कर सकते। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग प्लीज यहाँ पे 2 सेकंड निकाल के अपना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।